कहना सब लोग बिल्कुल आ गए यार आ जाइए क्या पता क्या कर रहे हैं मेरे को डर था सो नहीं गए वो क्या नहीं थी अब अंदर जो था फोन क्यों करता अंदर करो मैं नहीं तो उठा भी नहीं रहे ना क्या था अनुराग को ही करती हूँ नहीं नहीं लग गया ना इनको से बात हो गई लेट गए अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माहौल खुशनुमा है और सब इंतजार में है और इस लंबे इंतजार के बाद सबको उम्मीद है एक खास वक्त की। ये इंतजार भाईजान और उनकी बेगम नसरीन के लिए जो हमें ले जाने आ रहे हैं उस जन्नत में जिसका नाम है सुकलिया। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम। और अब जब दूसरे कर रहे हैं इंतजार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम हैं भोपाल शहर के बाहरी इलाके में। भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश का जो एक सबसे बड़ा प्रोविंस है हिंदुस्तान के बीचों बीच। भोपाल जिसे तालाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है एक बहुत ही हरा भरा और खूबसूरत शहर है जहाँ लाखों भोपाली अपनी जिंदगियों में मसरूफ है और इस मसरूफियत से कुछ देर की छुट्टी लेने के लिए शहर के बाहरी इलाकों की वादियों से बेहतर और क्या हो सकता है। आज का सूरज अपने साथ लेके आया है बेहद खुशनुमा मौसम और एक बेहद ही खूबसूरत दिन और एहतिशाम के साथ हम निकल पड़े हैं सुकलिया जहां पर वो एक स्कूल में प्रिंसिपल है कि सैर करने और उसके पास ही एक तालाब पर मौज मस्ती करने। शुक्रवार का दिन और इंडिया के एक बहुत ही बड़े लीडर स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन जिसकी खुशी में आज पूरे स्टेट के स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाना है जिसके बाद उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। तकरीबन 7 लाख बच्चे पूरे एमपी में आज एक ही वक्त पर सूर्य नमस्कार करेंगे तंदुरुस्ती के लिए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाने के लिए। सूर्य नमस्कार का मतलब है सूरज का नमन करना जो हमें रोशनी देता है। ये एक एक्सरसाइज है जो आज यहाँ एहतिशाम के स्कूल में करी जाने वाली है। ओह, इस गहमा गहमी को देख के तो लगता है कि भाई साहब किसी भी वक्त यहाँ पहुंचने वाले हैं। आखिरकार वो आ गए और अपने साथ लाए वो पल जब हम सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के चल पड़े अपने सफर पर। कैप कैप उतार के सर पे हाथ लगा। हमें भोपाल छोड़े 20 मिनट हो गए हैं और हम करोद से होते हुए बढ़ रहे हैं सुकलिया की तरफ जहां से हमें जाना है रतुआ। रतुआ से गुजरते वक्त हमें दिखाई ये जश्न का नजारा बहुत सारे लोग शोर शराबा और ये कंफ्यूज गाय। हम राधे राधे रेस्टोरेंट रुके चाय की चुस्कियां ली थोड़ा आराम किया और इंतजार करने लगे। मेरी कर जाओ।
एक मास्टर साहब यहाँ से 4 किलोमीटर दूर तक हमारे आगे आगे चल के हमें गाइड करेंगे उनकी उड़न तश्तरी पर। जल्द ही हम सुकलिया गांव पहुंच गए जहां एहतिशाम अपने साथियों के साथ हमारे इंतजार में मौजूद है। Assalamu alaikum. How are you? Fine, fine. They are my colleagues. Namaste. Himmat Singh Rajput. Mr. Rajput. Namaste. Person of. And is. Shailendra Sharma. Also teacher. Hi. They are my colleagues. Hi, mummy. Himmat Singh Meher. Namaste. Namaste. Rakesh Nagar. Rakesh Anurag Nagar. Mathur. He was you the met? Guide. Yeah, he was the guide. Yesham Bhaiya. Taran Singh Ji. Namaste. Chandan Singh. और अब एक जोशीले वेलकम के बाद हिम्मत सिंह राजपूत के घर की चाय। हिम्मत सिंह राजपूत यहाँ सुकलिया में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ और वो एक टीचर हैं। साथ ही वो किसान भी हैं और उन खूबसूरत गाय और भैंसों के मालिक भी हैं जिनके दूध से बने पनीर और दही के नाश्ते के मजे हम लेंगे। वो क्या ड्यूटी मैंने भेजी है कृपाल। वी नो एवरीथिंग अबाउट काउ। यस बता रहे हो। हिम्मत सिंह के दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे और अपने पापा की तरह मददगार हैं जो बिजी है हमें मजेदार नाश्ता परोसने में। इस खुशनुमा माहौल में और इतने सारे प्यारे प्यारे लोगों के साथ ने इस दोपहर की धूप को एक अजीब से सुकून में बदल दिया है। राजपूत का घर तालाब के पास है और अब हमारा डेरा होगा डैम का दूसरा कोना। पर आगे बढ़ने से पहले तस्वीरों की शक्ल में ये कुछ यादें खास आपके लिए। कार को डैम तक लाने की जिम्मेदारी दी हमने समीना को जबकि बाकी सब पैदल निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। साल के इस वक्त तक तालाब तकरीबन सूख गया होता है पर अभी भी इसमें इतना पानी रहता है कि 1 या 2 महीने तक यहाँ के किसानों को पानी मुहैया कराए। और जब जून के महीने से इंडिया में बारिश शुरू होगी तो ये तालाब फिर से अपने शबाब पर आ जाएगा। पानी के पंप अपना काम बखूबी कर रहे हैं और फसल का खूबसूरत हरा रंग बता रहा है कि पौधे खूब फल फूल रहे हैं और फसल अच्छी होगी। और वो रहा हमारा पिकनिक स्पॉट हरे खूबसूरत खेतों के बीचों बीच। एहतिशाम और उनके दोस्तों ने बहुत ही अच्छी जगह ढूंढी है पिकनिक के लिए वहाँ दिल को सुकून देने वाली और कुदरत के करीब जहाँ हर कोई खुशी महसूस करेगा। खूबसूरत हरियाली हर तरफ। इस तालाब से साल भर मिलने वाले पानी से यहाँ की ज़मीन को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि किसान किस तरह प्रकृति के साथ तालमेल मिला के रह रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसे हम में से ज्यादातर लोग शायद भूल गए हैं। Bollywood.
कुछ देर सुकून से बैठने और गप्पे मारने के बाद एक बार फिर स्कूल के बच्चों ने हमारे लिए सूर्य नमस्कार करके दिखाया, एक ऐसी एक्सरसाइज जिसे रोज करना हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद होगा। दो, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। बहुत सारी बातों और ठहाकों के बाद श्याम भैया ने हमें अपने हाथों से बना खाना खिलाया और स्कूल की बच्चियों ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि हम हर चीज अपनी यादों और अपने पेट में भर के जाएं। ये वक्त था एक बुरी खबर का। हमारी कक्का पारी, जो एक प्यारी दादी, बहन, माँ और एक बहुत नेक और अच्छी इंसान थी, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। उनकी 90 साल की जिंदगी को उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से और दूसरों के लिए मिसाल बन के जिया, पर अब वो जा चुकी थी। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। और ये सूरज हर बात से बेखबर, हर दिन की तरह आज भी ढल रहा है, कल फिर उगने को और अपने साथ लाने को एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई जिंदगी।